आज हम राजस्थान की फेमस काजरी की सब्जी और मसाला पूरी की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे। गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे। पैन में हम 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, एक तेज पत्ता डाल देंगे, 3-4 काली मिर्च डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे और 1 पिंच हींग डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। सभी चीज़ों को चटकने देंगे और अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू को मोटा मोटा कट कर लिया। इन्हें पानी से वॉश करके और पैन में हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है हमको। अब हम इनको मिक्स कर देंगे। बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले और आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम लिड लगा के और इनको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के और कुक होने के लिए छोड़ देंगे हम। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर का यूज़ किया है। मिक्स कर देंगे वापस से और आलू को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। वापस से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं लगभग 60 से 70% हमारे आलू बॉईल हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे इसमें हम 1 छोटी चम्मच। सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें कटी हुई काजरी डाल देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। कवर कर देंगे सब्जी को किसी प्लेट या थाली से और 1 से 2 मिनट के लिए इनको ढक के पका लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले और आलू अच्छे से कुक हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएंगे। आलू बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम कटी हुई काचरी डाल देंगे इसमें। तो लगभग 200 ग्राम काचरी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और इनको हम कुक कर लेंगे। क्योंकि ये पकी हुई हैं काचरी, अगर इनको ज़्यादा पकाएंगे तो सारी सब्जी एकदम मिक्स सी हो जाती है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक कर लेंगे। यहाँ पे बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें वापस से लिड लगा देंगे और 1-2 मिनट के लिए हम इनको कुक होने देंगे। तो लगभग 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। मिक्स कर देंगे वापस से। और ये लीजिए, यहाँ पे हमारी टेस्टी सी स्वादिष्ट सब्जी बनकर के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, 2 पिंच कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें हम, साथ ही हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। और ये लीजिए, हमारी आज की टेस्टी सी सब्जी बनकर के तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को साइड में रख देंगे हम निकाल के।
बंद कर देंगे यहाँ पे और इसे रख देंगे हम साइड में। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, साथ ही हम आधा कप इसमें बेसन ले लेंगे, 2 छोटी चम्मच जितनी हम इसमें सूजी ले लेंगे आटे में, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, अब हम इसमें अजवाइन ले लेंगे 1 चम्मच, अजवाइन को क्रश करके ही डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पूरियों में। तो इस तरह से मसल के और अजवाइन को डाल देंगे हम आटे में। इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 पिंच इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, इसमें थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे, साथ में हरी धनिया पत्ते डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम घी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका हम एक डो बना लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, एक मीडियम टाइट सा इसका आटा गूंथ लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटे को गूंथ लिया है, वापस से मसाल लेंगे एक बार और। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारा आटा है तैयार, लगभग 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट बाद में इस तरह से हम इसमें से आटा लेंगे और इस तरह से इसे लंबा कर लेंगे चकले पे। अब हम इसे कट कर लेंगे, पूरी के लिए इस तरह से हम इसमें से लोई बना लेंगे। इस तरह से बनाने से सारी लोइयाँ एक ही साइज़ की बनती है। अब हम इनको गोल शेप दे देंगे, इसी तरह से हमें सारी पूरी की लोई बना लेनी है। और अब हम इनको बेल लेंगे, तो इस तरह से हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूरियाँ डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे पूरी के ऊपर और आप देख सकते हैं पूरियाँ यहाँ पे एकदम फूली फूली बन करके तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बढ़िया तरीके से फूल गई है, पलट देंगे और सुनहरा कलर आने तक इन्हें हम कुक होने देंगे, तल लेंगे इनको, वापस से पूरी डाल देंगे। इस तरह से इसे हम सेक लेंगे, पलट देंगे पूरी को और आप देख सकते हैं एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली पूरी हमारी बन करके तैयार हुई है यहाँ पे। तो ये लीजिए आज का स्वादिष्ट सा लंच हमारा बन करके तैयार है। इसी तरह से हम सारी ही पूरियों को तल लेंगे। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पूरी ली है, साथ में बूंदी का रायता लिया है और काजरी की सब्जी ली है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।